आप उनकी शुरुआत, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा से सब घबराए हुए, तब जो है सरकार घबराई हुई तो चाह रही कि किसी तरह ये रोके, ये उसका प्रयास है। आज हिंदुस्तान के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जी ने राहुल गांधी जी को और राजस्थान के मुख्यमंत्री, जहां पर अभी तक भारत जोड़ो यात्रा थी, उनको एक खत लिखा और उस चिट्ठी में कोरोना का उल्लेख किया और मास्क की, सैनिटाइजर की, वैक्सीनेशन इत्यादि की बात करी भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में। पते की बात यह है कि यह चिट्ठी मनसुख मांडविया जी ने उस पत्र पर आधारित करी है जो भाजपा के राजस्थान के सांसद पीपी चौधरी जी ने स्वास्थ्य मंत्री को लिखा था और कोरोना का और भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में कुछ चिंताएं जाहिर करी थी। तो पहली बात तो चिट्ठी भी भाजपा के सांसद के आधार पर लिखी गई है और वो प्रेषित कर दी गई है आगे। हम बहुत अभिभूत हैं आपकी चिंताओं को देखकर, लेकिन हम उसी स्वर में आपसे यह भी पूछना चाहते हैं कि क्या यही आईना, क्या यही चिंता मोदी जी को भी बताई गई है? क्योंकि दो दिन पहले तो वो त्रिपुरा में रैली कर रहे थे, ठीक ठाक भीड़ भी आ गई थी, तो क्या वहां पे कोरोना नहीं फैलेगा क्योंकि वहां पे महामानव चले गए? पहली बात। दूसरी बात, और मैं ये बड़ी जरूरी बात आपसे करना चाह रही हूं कि क्या हिंदुस्तान में कोरोना को लेकर कोई नए प्रोटोकॉल बनाए जा रहे हैं? क्योंकि अभी तक तो आप लोग अपनी पीठ ठोक के और सीना ठोक तान के कहते थे कि कोरोना पर हमने विजय पा ली। आज कोई कहीं कोई नियम कानून ही नहीं है, चाहे प्लेन हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे सार्वजनिक जगह हो, बिना मास्क के लोग आराम से घूम रहे हैं। इसका मतलब कोरोना नियंत्रण में है। और एक बहुत जरूरी बात यह भी कि क्या आपके मंत्रालय ने कोरोना के संदर्भ में कोई नए नियम और कानून बनाए हैं? खैर, यह आईना तो आपको भाजपा को भी दिखाना चाहिए, लेकिन जैसा कि अपेक्षित था, सरकार ने माहौल बनाने का काम किया और तुरंत चरण चुंबक चैनल्स और एंकर्स लगातार जुट गए कि कोरोना कितना बड़ा खतरा बन के खड़ा है। तो मेरे दो चार आपसे सवाल है, अगर कोरोना इतना बड़ा खतरा बन के खड़ा है और पार्लियामेंट सेशन में है तो पार्लियामेंट में इस पर चर्चा होनी चाहिए। पार्लियामेंट का सत्र कैसे चलने दिया जा रहा है? कोई नए नियम कानून प्रोटोकॉल क्या अनाउंस होंगे? क्या मास्क फिर से अनिवार्य होगा? इसके बारे में अभी तक हम लोगों ने कुछ नहीं सुना है। और असलियत तो यह है कि जब कोरोना काल था तब तो आप नमस्ते ट्रंप करा रहे थे और चुनी हुई सरकार मध्य प्रदेश में गिरा रहे थे। आप तब तो दीदी ओ दीदी कर रहे थे बंगाल में। आपने बंगाल में, असम में, उत्तर प्रदेश में चुनाव करवाए जब लाशें तैर रही थी और वहां से रामनामी खसोटी जा रही थी। अब आपको कोरोना की चिंता याद आ गई। ये कुछ नहीं है, ये भारत जोड़ो यात्रा को देखकर भारतीय जनता पार्टी की अंदर की जलन और द्वेष है। लेकिन आप कुछ भी कर लीजिए, कितनी भी बाधाएं लगाने का काम करिए, जो अपूर्व जन स्नेह और जन समर्थन हमें मिल रहा है उसके बारे में आप कुछ कर नहीं पाइएगा, ये याद रखिएगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं, संविधान की शपथ लेकर आप एक मंत्री बने हैं, भाजपा के इशारों पर नाचने वाली कठपुतली मात्र बन के मत रह जाइए। भारत जोड़ो यात्रा को कोई ताकत रोक नहीं सकती है। जोड़ो यात्रा में भारत जोड़ो यात्रा के चलते मोदी सरकार खुद बुखलाए हुए हैं। आप भारत जोड़ो यात्रा के आसार खुद देख रहे हो कि महाराष्ट्र में बीजेपी नस्तनाबूद हो चुके हैं, सुपड़ा साफ होने जा रहे हैं बीजेपी। तो ये डर के मारे, ये आम लोगों की निगाह भटकाने के लिए बुखलाए हुए बीजेपी पार्टी ये तरह तरह की सारे सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी पार्टी को ये कहना चाहता हूँ, गुजरात में जब चुनाव हुई थी मोदी जी घर घर गए थे, क्या मास्क लगा के, क्या लोगों को सारे प्रोटोकॉल मानते हुए गए थे? मंडोविया के मैं पूछना चाहते हैं कि राहुल गांधी की पदयात्रा शायद आपको अच्छा नहीं लगते होंगे, लेकिन सारे हिंदुस्तान के लोग इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, और इसके चलते बीजेपी की जो गोदी मीडिया के चलते जो प्रचार चलते थे उसमें भी अभी छेद आने लगी, क्योंकि सोशल मीडिया में छाए हुए हैं राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, ये लोगों में काफी इसका असर हुए हैं, ये जानता है मोदी सरकार। इसलिए मंडविया को तैनात किया गया कि कुछ बहाना बना के ये आम लोगों की निगाह भटकाया जाए।